Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोविज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, लेजेंडरी कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हमने बीच में बंद कर दिया था, कस्टमर ही नहीं थे, फ्लॉप हो गया था। एनीवेज तो देखिए, आपने यहाँ तक तो कर लिया रहेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। और फिर हमने बीच में एक न्यू वेरिएशन ऐड किया था, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो देखो। हाँ, तो ये करने के लिए सिंपल है, आपको सिर्फ गर्दन को है अपने घर में, कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई काम कर रहे हैं, हाँ ये करते रहना है। ये कल मुझे बताना कहाँ तक गया। अब मम्मी डैडी के सामने मत करना, नहीं तो जिंदगी भर गर्दन हिलाने के लायक नहीं रहेगी। अच्छा वैसे एक चीज और दिखानी थी आपको, ये देखो, ये देखो, हाँ ये अपकमिंग स्मार्टफोन का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक्सक्लूसिव। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई मैंने बहुत सारे फीचर्स दिया, नोटिफिकेशन, एलईडी लाइट है, अलर्ट स्लाइडर, आयर ब्लास्टर, डुअल माइक, गेमिंग ट्रिगर्स। सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन, एलईडी लाइट, फिर गेमिंग ट्रिगर्स है, उसके बाद आयर ब्लास्टर वगैरह वगैरह। मुझे लगा था आयर ब्लास्टर पर ज्यादा वोट्स आएंगे, लेकिन नहीं। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, ऐसे वीडियोस बीच बीच में आते रहेंगे, और अगर आपने नहीं देखा है देखिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। लाइक करिए दोस्तों, लेजेंडरी कोचिंग सेंटर के लिए ही कर लीजिए खूब सारे लाइक्स, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग Z Fold 3, Z Flip 3, गैलेक्सी वॉच 4 और बर्ड्स 2 11 अगस्त को लॉन्च हो रहे हैं। उससे पहले सैमसंग ने इनका भी रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। सैमसंग इंडिया वेबसाइट पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अभी से करते हैं तो उनका जो एक साल का केयर प्लस जो सर्विस मिलती है ना, वो आपको भी फ्री मिलेगा, लगभग 11-12 हज़ार रुपये की उसकी कुछ प्राइस है। तो ये सिर्फ वही लोग को मिल रहा है जो पहले से इसको प्री बुक या रजिस्टर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A22 5G ये कल लॉन्च हो रहा है। सैमसंग का ए सीरीज का 5G फोन है, और इसमें 11 5G बैंड्स हो गए, इतना मुझे पता चला है। तो देखते हैं दोस्तों क्या प्राइस होती है, हमें कल पता चलेगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Z Fold 3 के लिए, 11 तारीख को और भी जानकारी मिल जाएगी। वैसे ट्विटर के ऊपर अभी आपको अप वोट और डाउन वोट वाला यहां पर जो वो फीचर मिलेगा, बेसिकली जो भी पोस्ट के नीचे आप कमेंट्स करते हो उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा। ये फिलहाल के लिए iOS में उन्होंने टेस्टिंग किया है, धीरे धीरे इसको ऑफिशियल कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पर। यानी कि जो भी आप कमेंट्स देखेंगे, अब आप उसके ऊपर नंबर्स देखेंगे अप वोट के और डाउन वोट के। हालांकि डाउन वोट उनको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखाई देगा कि सामने वाले ने आपको कितना नीचा दिखाया है। हाँ, तो ये चीज़ अभी वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस एक एडिट बटन का इंतजार था, जो मुझे लगता नहीं कि कभी जिंदगी में ट्विटर के ऊपर देखने मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, Xiaomi का जो मी एनिवर्सरी सेल था ना इंडिया के अंदर, 12 जुलाई से 16 जुलाई तक था। इन 4 दिनों में Xiaomi ने बताया कि हमने 1000 करोड़ का बिजनेस किया, 1000 करोड़ का। हाँ, आपने सही सुना, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ Redmi Note 10 सीरीज जो है वो 3000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया। मैं 300 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है दूसरी ब्रांड्स को Xiaomi से सीखना चाहिए, हालांकि इनका प्रॉफिट कम होता है, Nokia जैसी उनको भी प्रॉफिट कम रखना चाहिए ताकि उनके फोन्स भी इतने ज़्यादा सोल्ड हो। Xiaomi जैसा भी है, कुछ भी हम बोलते हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में बड़ा आगे निकल गया है, और ये एक एग्जांपल है। वैसे MIUI 13 जो है, इसके कुछ फीचर्स लीक हो गए, हालांकि पहले फोटोज लीक हुए थे, अब फीचर्स बाहर आ गए। इसमें आपको मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी और लेयर्ड रेंडरिंग सिस्टम, ये 2 नए फीचर्स मिलेंगे। ये कैसे काम करेंगे तो जब आएगा तो पता चलेगा। न्यू रीडिजाइंड आपको थीम्स, एनिमेशन, फॉन्ट्स, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आप पहले ऐप को कैसे विंडोड मोड में डाल सकते थे, अब गेम्स को भी आप विंडोड मोड में डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, जो देखकर लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है इस बार MIUI 13 के साथ। उम्मीद करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जोकर मालवेयर ने ना वाकई में हमें जोकर बना के रखा, सच बोल रहा हूं। हाल ही में प्ले स्टोर में 11 ऐसे ऐप्स थे जो देखे गए जिनमें ये जोकर मालवेयर था, और उसको 30,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड्स भी कर लिया था। हालांकि प्ले स्टोर में अभी उसको निकालकर गूगल ने फेंक दिया, लेकिन ये बेसिकली इतने खतरनाक होते हैं दोस्तों कि आपके सारे पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह चोरी कर लेंगे। इनफैक्ट आपके नाम से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होते हैं जो वो वहां पर अप्लाई करते और पैसे आपके कटते। हाँ, तो ये बड़े खतरनाक चीज़ है, ये कहीं पर भी अटैक कर लेता है, और प्ले स्टोर इसका सबसे बड़ा शिकार है। लेकिन एक तरफ ये भी अच्छा लगता है कि गूगल इनको लात मार के निकालकर फेंक भी देता है। एक तरफ माइक्रोमैक्स ने बोला है कि हम अपने 5G फोन्स इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च करेंगे, तो लावा कैसे पीछे हट सकता है। यहाँ पर ऑफिशियली लावा ने कंफर्म कर दिया है कि वो इंडिया में बड़ी ही जल्दी अपने 5G फोन्स लॉन्च करेगा, और साथ में इनकी जो प्राइस होगी वो 17,000 से 20,000 के बीच में होगी। तो प्राइस भी सामने आ गई है, देखते हैं। अभी लावा ने बोला है तो कितना जल्दी आता है तो बात की बात है। और उनकी वॉच भी लेके आ रहे हैं, अभी उन्होंने ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लाए थे ना, हमने वीडियो बनाया था, आप देख लेना चाहे, लेकिन अभी वॉच भी लेके आ रहे हैं। लेकिन हमें इंटरेस्ट है इस 5G फोन में जो लावा लेके आ रहा है, इंडियन कंपनी है,
कुछ अच्छा करे तो बढ़िया है। वैसे माइक्रोमैक्स आ रहा है 30 तारीख को, देखते हैं कि माइक्रोमैक्स भी क्या करता है। आज मैं आपको चैलेंज करता है कि मैं आपको अभी के अभी स्माइल कराएगा। देखो अगर आपने स्माइल नहीं किया और आपने कमेंट में बोला कि मैंने नहीं किया तो बहुत बड़े झूठे। टेक्नोलॉजी चैनल पर आप आए और स्माइल ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ आ जाओ, स्किप किया इसके लिए हरकत किया। हाँ वैसे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर आजकल सुनने में आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सर्वर एरर्स हो रहे हैं। हाँ ये चीज़ यहाँ पर देखी गई है और जब से ये अपडेट आया तब से ये भी अंड शंड चीज़ें कर रहा है ऐसा लोग बोल रहे हैं, और क्राफ्टन को ये पता है और क्राफ्टन धीरे धीरे इसको फिक्स्ड भी कर रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं फिर इंस्टॉल कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई शायद हमारा इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा और वगैरह वगैरह की चीज़ें हो रही है। तो जो सर्वर एरर आ रहा है अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये इशू यहाँ पर देखा गया है। बस आज यही खबर थी, कुछ तगड़ी खबर होगी तो आपको जरूर से देंगे, लेकिन तब तक के लिए ये हंसाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन अगर डर गए तो हम सॉरी। बारे में दोस्तों प्लेस्टेशन 5 ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक इसको परचेस नहीं किया, वैसे मैंने प्लानिंग किया था पूरी के गेमिंग चैनल बनाऊंगा, संडे आपको परेशान करूंगा, लेकिन एनीवेज वैसे ये बहुत ही हैवी है, 3.9 किलोग्राम्स का है, ऑलमोस्ट 4 kg का है। तो बताया जा रहा है कि सोनी जो है वो इसके लाइटर वर्जन पर काम कर रहा है, हाँ PS5 लाइट, जो इससे थोड़ा और ज़्यादा स्लिम होगा, लाइट होगा, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट इसकी जितनी ही होगी ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो पहला मशीन था इसको वो लोग क्या बोलते हैं बंद कर देंगे, इंग्लिश में भूल गया क्या बोलते हैं यार उसको, अपना इंग्लिश इतना अच्छा है, तो ये बंद हो जाएगा और दूसरा वाला शुरू हो जाएगा जो लाइट होगा, तो ऐसा बोल रहे हैं अभी। खैर देखते हैं, आएगा तो आपको आगे बताएंगे। हाँ वो मतलब डिसकंटिन्यू, बड़े टाइम बाद याद आया मुझे। एक तरफ जियो ने इंटेल के साथ पार्टनरशिप किया इंडिया में 5G नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, तो एयरटेल कैसे पीछे हट सकता है, ये भी पीछे पीछे लगा हुआ है। एयरटेल ने भी इंटेल के साथ पार्टनरशिप कर दिया है 5G नेटवर्क को इंडिया के अंदर बूस्ट करने के लिए, और हमें बोलना नहीं चाहिए कि एयरटेल ही सबसे पहले इंडिया में उन्होंने 5G ट्रायल किया था, जो बहुत बड़ी बात है। तो जियो और एयरटेल में बड़ी जंग छिड़ी है, बस देखना ये है। देखो लड़ो लड़ते रहो, हमको सबसे पहले 5G दे दो, हमें वही चाहिए। आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर की बात करें, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर ऐसा होता है मैं सारे सब्सक्राइबर को, आप लोगों को मैं मिठाई बांटेगा, मेरे को एड्रेस दे देना मैं सबको भेजेगा, लेकिन ऐसा हो उसके बाद, बहुत बड़ी बात कर लिया। हाँ लेकिन एनीवेज, रियलमी 9 जो है दोस्तों, रियलमी 9 जो सीरीज आ रही है, इनमें स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट होगा। MediaTek G95 स्नैपड्रैगन 720G बोलता रहेगा रियलमी तूने क्या किया, हमारा साथ क्यों छोड़ा। हाँ फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ अच्छी चिपसेट्स इस बार रियलमी 9 सीरीज में देखने को मिल सकती है। 120Hz AMOLED भी होगा, ये भी अभी लीक हुआ था, लेकिन खैर मिठाई वाली बात कैंसिल। iQOO 8 दोस्तों ये अभी अगले महीने लॉन्च होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पावरफुल फोन होगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि चार्जिंग भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, 160W चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आएगा ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है, और इंडिया में भी लेके आ जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, जो और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो iQOO 8 पर काफ़ी सारे चर्चे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, देखते हैं अगले महीने लॉन्च होता है और उसके बाद अगर इंडिया में बगल में आ जाता है तो iQOO 7 का क्या होगा, मैं ये सोच रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, अमेरिका के अंदर सबसे पहली बैंक रॉबरी बहुत साल पहले हुई थी, लगभग $1,62,000 की हुई थी, जो चोर था ना वो तुरंत पकड़ा गया था। आपको पता है कैसे, पैसे चोरी किया गया, कंफ्यूज होकर के पैसे का क्या करूं, वापस आया उसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।